بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ये दर्स जामिया अनवारिया की जानिब से आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। बुज़ुर्गों और आज़ीज़ों, आज का जो मौजू है वह है प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाना, यानी मीलादुन्नबी। बुज़ुर्गों और आज़ीज़ों, इस सिलसिले में साबिका क़दीम उलमा और आइम्मा ने काफ़ी दलाइल और अपने फ़तवे क़ुरान और अहादीस और इस्लामी मिजाज के अंदर पेश की हैं, जिन आयात से इस मसले के ऊपर इस्तिंबात किया जाता है। उनमें की चंद मशहूर आयतें आपके सामने पेश हैं। पहली आयत शरीफा, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अन्फुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती। अल्लाह तबारक तआला इस आयत शरीफ़ा में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों के ऊपर, मोमिनों के ऊपर एहसान किया है कि उनमें एक रसूल को अपने ही जानिब से भेजा, उन्हीं में से भेजा। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया है मुसलमानों के ऊपर। बुज़ुर्गों, सारे एहसानात और इकरामात अल्लाह तबारक ताला सभी पर करता है। सारे इंसान उसके एहसानात और इनामात से पुर हैं, उनके ऊपर सबके एहसानात हैं, सबके ऊपर अल्लाह तबारक ताला के एहसानात हैं। अल्लाह के मानने वालों के ऊपर भी है, अल्लाह के ना मानने वालों के ऊपर भी अल्लाह तबारक ताला के एहसानात हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला, हम जानते हैं कि जब कोई बड़ी शख्सियत कोई इनाम और इकराम, कोई हदिया या तोहफ़ा देती है तो वो उसका एहसान नहीं जताती कि मैंने आपको एक कलम हदिया दिया, मैंने आपको एक महल हदिया दिया, बल्कि एहसान उस चीज़ का जताया जाता है बड़े लोगों के जानिब से जो वाकई बहुत बड़ी हो। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेअसत है, आपका इस दुनिया में जो भेजना है, नबी बनाकर मबऊस करना है, अल्लाह तबारक ताला ने इसको सबसे बड़ा एहसान करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आपका ये इतना बड़ा एहसान है, ये इतनी बड़ी नियमत है कि इंसानों को आज तक ऐसी बड़ी नियमत अता नहीं हुई। ना आसमान जो हमको साया करता है और
चांद और सूरज और तारों का की आमाजगा है, वो भी बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी नियामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। और जो बारिश बरसती है, हमारी सारी ज़िंदगी का दारोमदार उसी बारिश के ऊपर है। ये लहलहाती हुई खेतियाँ और ये हरा भरा और ये सब्ज़ व शादाबी, ये सारी के सारी बारिश ही की मरहून मिन्नत है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, ये इससे भी ज़्यादा बड़ी नियामत है। चाँद, सूरज, तारे, ज़मीन, आसमान और जितनी नियामतें अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को दी हैं, उनसे बड़ी नियामत मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सुभानअल्लाह, बेशक। वो इसलिए कि आसमान का जो फ़ायदा है सब उठाते हैं, अल्लाह के फरमाबरदार भी उठाते हैं, नाफरमान भी उठाते हैं। और पानी, बारिश जो बरसती है उसका फ़ायदा सब उठाते हैं, अल्लाह के नाशुक्रे भी उठाते हैं, शुक्रगुजार भी उठाते हैं। चांद और सूरज, इनकी गर्मी और रोशनी और इनसे हिदायत रास्तों की पाते हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार भी और नाशुक्रे भी। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसलिए इन चीज़ों के बारे में नहीं फरमाया कि मैंने ये चीज़ें देकर तुमको एहसान किया है मुसलमानों, बल्कि ये फरमाया कि मोमिनों, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर। सुभानअल्लाह, यह है असल नियामत मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में नबी बनकर आना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत है। जब हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, तो इस नियामत के ऊपर हम खुश नहीं होंगे और अपने फरह और इंबिसात का इजहार नहीं करेंगे तो और किसके ऊपर करेंगे। ये नियामत तो ऐसी है कि इस नियामत के पाने के बाद हम खुशी से पागल हो जाते, खुशी से जुनून हमारे ऊपर तारी हो जाता, ये ऐसी नियामत है। तो आज़ीज़ो, दरअसल इंसान को जब नियामत की जितनी कदर होगी और एहसास होगा, उसी वक्त हमको पता चलेगा कि ये नियामत कितनी बड़ी है। दरअसल नियामत बड़ी होगी, उसका एहसास होगा, तो उससे वो इश्क, वो लगाव, वो जज्बा और वो मोहब्बत भी पैदा होगी, तो फिर वो मज़ा और वो चाशनी भी आएगी। तो चूँकि उस नियामत की जैसी कदरदानी होना चाहिए था, वैसी कदरदानी हमसे नहीं हो सक रही है, इसलिए हमको इस बात का अब बहस इसके ऊपर हो रही है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद के ऊपर खुशी मनाना या नहीं मनाना, इसके ऊपर बहस हो रही है। तो बड़े ताज्जुब की बात है। खैर, ये मसला पहले ही से मुख्तलफ ही रहा है। तो जो आयतें पेश की जाती हैं, उनमें से पहली आयत शरीफ़ा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, और दूसरी आयत शरीफ़ा है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से, फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत, ये दोनों चीज़ें मिलने की वजह से मोमिनों को खुशी मनाना चाहिए। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िमन में फरमाया कि अल्लाह की रहमत यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो इस आयत शरीफ़ा में जिस रहमत की तरफ इशारा किया गया है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तो कुरान करीम फरमा रहा है कि इसके ऊपर खुशी मनाओ। और तीसरी आयत शरीफ़ा वो है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, याद करो ऐ लोगो, तुम याद करो
अल्लाह तबारक तआला के दिनों को, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको नसीहत दिलाओ और याद दिलाओ अल्लाह के दिनों को। तो अय्यामिल्लाह में जो उलमा ने तशरीह की है वो अल्लाह की नेमतें जिन अय्याम में दी गई हैं वो अय्याम मुराद हैं, और उनमें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात गिरामी है। और क़ुरान करीम में एक आयत शरीफ़ा अल्लाह तबारक तआला ने ज़िक्र की है, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअथु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाया गया कि सलामती हो मुझ पर जिस दिन के मैं पैदा हुआ, और उस दिन भी सलामती हो जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, और उस दिन भी सलामती हो जब अल्लाह तबारक ताला मुझे दोबारा ज़िंदा मबऊस करेगा। और जो आयत शरीफ़ा इस सिलसिले में पेश की जाती है वो है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, कि जो लोग शाइरुल्लाह का एहतराम और उसकी आज़मत का ख़्याल रखते हैं, तो दरअसल उनका ये शाइरुल्लाह का ख़्याल रखना और उनकी आज़मत का एहतराम का पास व लिहाज रखना, ये इस वजह से है कि उनके दिलों में तक़्वा है। तो अल्लाह तबारक तआला की जो निशानियाँ हैं शाइरुल्लाह हैं, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी से बढ़ के और कौन सी चीज़ शाइरुल्लाह हो सकती है। मकाम इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर ठहरे थे वो भी शाइरुल्लाह में है। हज के वो सारे मकामात जहाँ पर हज में हम अरकान अदा करते हैं वो भी शाइरुल्लाह में है। तो इन सारे शाइरुल्लाह में सबसे बड़ा अल्लाह तबारक ताला की जो निशानी है वो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी है। आशीषो, ये तो हैं चंद आयात। अब आइए हम उन अहादीस की तरफ चलें जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में इशारे और उसका इजहार होता है। सबसे पहले जो अहादीस इस सिलसिले में पेश की जाती हैं, साबिक़ उलमा ने जिन अहादीस से इस मसले पे इस्तदलाल किया है वो है आशुरे की हदीस, आशुरे के दिन के रोज़े की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो उस वक्त आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ के यहूद 10 मुहर्रम को रोज़ा रख रहे हैं। तो आपने उन लोगों से पूछा, क्या बात है आज आप लोग रोज़ा रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये 10 मुहर्रम का दिन वो है जिस दिन अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी। तो इसलिए हम उसकी खुशी में एक ज़ालिम से नजात मिली है, हम शुक्राने के तौर पर उस खुशी में ये रोज़ा रखते हैं हर साल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत करीब हैं और तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हम हकदार हैं, इसलिए ये रोज़ा हम रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नियामत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, उस नियामत के शुक्राने में यहूद भी रोज़ा रखते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे ज़्यादा करीब हैं, हम इस रोज़े के ज़्यादा हकदार हैं, हम इस शुक्राने के ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा हम इस नियामत के ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि तुम भी रोज़ा रखो। तो
تو گویا اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک نعمت مل جائے تو اس کا شکرانہ ہر سال اسی دن خاص دن متعین کر کے ادا کیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو، اس وقت کو، اس تاریخ کو، متعینہ تاریخ کو پسند بھی کیا اور اس روزے کو پسند بھی کیا، اور آپ نے وہ روزہ رکھا بھی اور دوسروں کے لیے رکھنے کا حکم بھی دیا. تو ہر سال جب جب عاشورہ آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ آئے گا تو یہ ہمارے لیے باعث خوشی، ایک نعمت کی آمد کا مہینہ ہے، اس لیے یہ باعث خوشی ہے. جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آئے گا ہم خوشی منائیں گے، جب جب وہ دن آئے گا ہم خوشی منائیں گے. اور دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں وہ ہے پیر کے دن کی فضیلت کے بارے میں حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی تو دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور یہ وہی تو دن ہے جس دن مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری. تو عزیزو، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور جس دن کتاب دی، وہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم پیدائش کا دن ہے یہ تصور کر کے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، شکرانہ، شکر ادا کرنے کا طریقہ. لیکن امت کو یہ نہیں فرمایا تم بھی روزہ رکھو، آپ کے اوپر چھوڑ دیا. اگر فرما دیتے تو لازم ہو جاتا، ضروری ہو جاتا. امت کو مشقت میں ڈالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. تو آپ کبھی یہ نہیں فرماتے تھے تم میری خوب عزت کرو، میرا اس قسم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع اور انکساری ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں، آپ ان چیزوں کا حکم نہیں دیتے تھے. لیکن ہمارا اپنا جو حق بنتا ہے وہ ہم کو حق ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. تو یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ وہ دن میں پیدا ہوا، اور بعد میں روایتوں میں ہے کہ پیر کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور دوسری اہم بات، میلاد النبی، اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تاریخ کو ہوئی وہ 12 ربیع الاول ہی تھی. آپ کی آمد بھی 12 ربیع الاول کو، اور ہجرت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول ہی کو تھی. تو عزیزو، ایک خاص بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنی دنیا ہے، اس دنیا میں جتنے ملک ہیں، یہ ملک اپنی سلطنت کے قائم ہونے کا جو پہلا دن ہوتا ہے، اس کے افتتاح کا جو پہلا دن ہوتا ہے، اس کو بڑے جشن کے ساتھ اور یادگار قومی دن کے طور پر مناتے ہیں. تو یاد رکھیے، اسلام کا سب سے بڑا یادگار قومی دن جس دن ہماری سلطنت بنی تھی مدینہ منورہ میں، وہ دن ہے 12 ربیع الاول. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ اسلام کا قومی دن ہے، اس دن ضرور جشن منانا چاہیے. سبحان. کیوں؟ ہمارے ہندوستان کا جو قومی دن ہوتا ہے ہم اس میں جشن مناتے ہیں. تو جتنے اس دنیا میں ممالک ہیں
सब उस दिन कौमी दिन है, आज हमारे हमको आज़ादी मिली थी, आज हमारे हुकूमत का क़याम अमल में आया था, या आज हमारा पहला दिन था, इसलिए जश्न का दिन है, तातील होती है। आपने देखा होगा अरब दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं आमतौर पर छुट्टियाँ नहीं देते कौमी दूसरे बहुत से ईदों के लिए। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत छुट्टियाँ हैं, हर ईद के लिए छुट्टियाँ यहाँ मिलेंगी आपको, लेकिन ऐसे ममालिक में भी कौमी सऊदीया जैसा मुल्क, वो कौमी उनका जो दिन है उस दिन छुट्टी देता है। क्यों? उस दिन उनकी अपनी ममलकत बनी थी। असल ममलकत तो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाई मदीने मुनव्वरा में, वो 12 रबीउल अव्वल ही को बनाई थी। इसलिए आज़ीज़ो, ये मुसलमानों का कौमी दिन है, इस दिन जश्न मनाना चाहिए। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस दुनिया में कौमी आमद का भी दिन है। और तीसरी हदीस जिससे उलमा ने इस्तदलाल किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के ऊपर, वह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा अबू लहब, इनका कुफ्र बड़ा मशहूर है। कुरान करीम ने ख़ुद अबू लहब के कुफ्र के बारे में मजम्मत करते हुए एक सूरा ही उतार दिया, और सूरे का नाम भी लहब है, तब्बत यदा अबी लहब। तो आज़ीज़ो, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन फरमाते हैं कि आपने ख्वाब में देखा कि अबू लहब का बहुत बुरा हाल है। पूछा, क्या हाल है? कहा, जब से गया हूँ इस दुनिया से बड़ा परेशान हूँ, बहुत बुरा हाल है। अलबत्ता पीर के दिन मेरे दोज़ख के अजाब में कमी होती है, वो इसलिए कि मैंने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अपनी बांदी, जिसने आपके पैदाइश की खुशखबरी मुझे सुनाई थी, उसको आज़ाद किया था। तो जिस उंगली से मैंने आज़ाद किया था उससे मुझे ठंडक और पानी मिलता है, और इस तरह से मेरे अजाब में तख़फीफ होती है। तो उलमा ने इस वाक़े से इस्तदलाल किया कि जब एक काफिर मुसलमा जिसका कुफ्र है, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पे खुशी मनाने पर हर पीर को अजाब में तख़फीफ होती है, तो कोई अगर मुवाहिद और सच्चा मुसलमान प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला आपकी मीलाद की खुशी मनाए, तो क्यों उसको अजर सवाब और उसके लिए बाइस बरकत नहीं होगा। और चौथी हदीस जो इस सिलसिले में पेश की जाती है वो ये है कि मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा, कि जो कोई आदमी इस्लाम में अच्छा तरीक़ा ईजाद करता है, अच्छी चीज़ ईजाद करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसको उसका अज्र देता है, और जो भी उस अच्छी चीज़ के ऊपर बाद वाले अमल करेंगे उनको भी उसका अज्र मिलता है। सुभानअल्लाह। और इसी तरह कोई आदमी अगर ख़राब चीज़ की बुनियाद डालता है तो उसको उसका गुनाह मिलेगा, और जो बाद वाले उस ख़राब चीज़ को अपनाएंगे उनका गुनाह भी उसके ऊपर आएगा, और किसी के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। इस हदीस से भी इस्तदलाल किया जाता है कि ये मीलादुन्नबी ये वही है, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना के तहत कि लोगों ने इसको ईजाद किया है, और वो इस हदीस के तहत आती है। और जिन वाक़ियात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के ऊपर इस्तदलाल किया जाता है वो है, जुमा की फजीलत में
एक हदीस है तो उसमें यह फरमाया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जुमा ही के दिन हुई। जुमा ईदुल मोमिनीन है, ये ईद वाला दिन क्यों बना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसी दिन हुई। तो उसमें ख़ास तौर पे ज़िक्र है हदीस में कि जुमा की जो फजीलतें बयान की गई हैं उसमें एक ये भी फजीलत बयान की गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमा के दिन है, तो इसलिए जुमा फजीलत वाला हो गया। तो जिस दिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है पीर की, वो दिन कैसा फजीलत वाला नहीं होता? तो जिस तारीख़ को आपकी पैदाइश है वो तारीख़ कैसी फजीलत वाली नहीं होती? जिस माह में आपकी पैदाइश है वो माह कैसा फजीलत वाला नहीं होता? आशूरे को भी जो फजीलत दी गई है उसमें यही तो है कि आशूरा वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, ये दुनिया बनाई, क़ियामत भी उसी दिन कायम होगी, वो फ़लाँ उनके गुनाह कबूल हुए, उन लोगों की माफ़ियाँ तलाफियाँ हुई, उनकी तौबाएँ कबूल हुई, उनको मुसीबतों से नजात, जो बड़े बड़े नियमतें अल्लाह तबारक ताला ने दी हैं, इकरामात किए हैं इंसानों के ऊपर अम्बिया को भेज कर, वो सारे आशूरे के दिन हुए थे। इसलिए आशूरे का दिन मुक़दस और बड़ा करार दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तो इन सारी नियामतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नियामत है तो उस नियामत के एतबार से ये अय्याम भी बड़ी फजीलत वाले हैं, ये माह भी फजीलत वाले हैं। और जिस चीज़ से इस्तदलाल किया जाता है आपकी मीलाद की के ऊपर, उनमें है हज। हज की पूरी इबादत क्या है? हज़रत हाजिर सफ़ा से मरवा पानी की तलाश में गई। अब हर साल तो नहीं गई थी, एक ही बार गए थे। अब हम हर साल जाके वही दिनों में वही अय्याम में वहाँ दौड़ते हैं। हज़रत हाजिर जहाँ दौड़े थे सफ़ा मरवा के दरमियान, जैसे उन्होंने क़ुरबानी की थी अब भी क़ुरबानी करते हैं। तो पूरे आमाल क्या है जिसको अल्लाह ने इबादत बना के रख दिया है हमारे लिए, जो इबादत करार दी गई क्या है? हज़रत इब्राहिम, हज़रत हाजिर और हज़रत इस्माईल, इनके जो आमाल थे ये अल्लाह वालों ने अल्लाह से इश्क ऐसा किया और अल्लाह के हुक्म पे ऐसे मर मिटे, अपने आप को ऐसे फना कर दिया कि वो जो कहता था उसके लिए वो तैयार हो जाते थे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे। उनकी कैफियत ऐसी हो गई कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए सब कुछ मिटा दिया। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको, जब उन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए मिटाया तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको ऐसी दवाम बख्शी, ऐसी बका बख्शी कि उनका जिक्र हमेशा के लिए, उनकी अदाएँ हमेशा के लिए ज़िंदा रह गई। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो आज़ीज़ो, हाय हाय हाय, ये जो चीज़ है ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो हमारे लिए कामें की हैं तो वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें। बुज़ुर्गों और आज़ीज़ों, अब मैं आपके सामने थोड़ी सी मुख्तसर सी उसकी तारीख़ पेश करता हूँ कि किस तरह से ईद मिलाद की शुरुआत हुई। यकीनन ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख में इख्तलाफ है, बिल्कुल सही है। आपकी पैदाइश के बारे में सिर्फ इत्तेफाक़ तो इस पे है कि आप पीर के दिन पैदा हुए, और अक्सरियत रबीउल अव्वल में के महीने में आपके पैदाइश के कायल है, और दूसरे महीनों का भी तज़किरा है, और आपकी पैदाइश जिस साल हुई है उसमें भी इख्तलाफ़ है। अक्सरियत और जो सही कौल न पेश किया जाता है वो है
عام الفیل کے سال آپ کی پیدائش ہوئی. بہرحال ان چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اب بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیر کو پیر اپنے دن کی خوشی مناتے تھے میلاد کی، تو آپ سال میں ایک ہی بار کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم نے کہاں کہا آپ سے کہ ایک ہی بار منائیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ روز منائیے، ہر لمحہ منائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو بھول چکے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، اللہ کے رسول کی اداؤں کو بھول چکے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کو بھول چکے ہیں، اللہ کے رسول سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا اس کو بھول چکے ہیں. ان کو یاد دلانے کے لیے ان کو کہ بھائی تمہارے بھی ایک رسول ہیں، ان کے بھی تمہارے اوپر احسانات ہیں، اللہ نے بہت بڑی نعمت بنا کے ان کو پیش کیا ہے، بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہے، ان کی قدردانی کیجئے. اگر کوئی ہر روز اللہ کے رسول کا جشن مناتا ہے تو ہم تو بڑے، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، ہم اس کو سر پہ رکھیں گے. اور کوئی پیر کو پیر بھی مناتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے پیر کو تو بہت اچھی بات ہے. تو ہمارا یہ جو مطالبہ ہے کہ اس دن کو اہتمام کے ساتھ منائیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسول کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں، یہ ان کے لیے ہے خاص طور پر. اب جو رات دن ان کا اوڑھنا بچھونا، قال اللہ قال الرسول اور درود اور سلام اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ قدم قدم پہ چلتے پھرتے ہیں، ان کی ادائیں، ان کا چلنا پھرنا لباس، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہیں، تو واہ وہ تو اولیاء ہیں اور ہم ان کے کسی درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل میں ہماری مغفرت فرمائے. بہرحال یہ میلاد النبی خاص طور پہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ منائی جانے لگی ہے، علماء مورخین نے لکھا ہے کہ فاطمی دور میں اس کی ابتدا ہوئی اور اہل سنت والجماعت کے خاص طور پہ جو بادشاہ الملک ملک المظفر سلطنت ایوبیہ میں تقریباً 600 صدی ہجری میں یہ بڑے اہتمام کے ساتھ حکومتی پیمانے پر منایا گیا. اور علماء نے اس کو سراہا ہے، اس کی تعریف کی. البتہ اس میلاد النبی کے منانے میں، خوشی منانے میں بعض لوگوں نے بہت ساری غلط سلط چیزیں داخل کر دیں، غیر شرعی چیزیں اس کے اندر داخل کر دیں، تو اس کے 100 سال کے بعد جب معاملہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تو امام فاقہانی جو مالکی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں منع کیا کہ یہ آپ میلاد منا رہے ہیں یا میلاد کا مسخرہ پن کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں یا حضور کی تعریف کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، یا یہ توقیر ہے یا یہ استہزاء ہے. وہ جب کہ میلاد ادب و احترام کو پار کرتے ہوئے استہزاء کی کیفیت کو پہنچی تو اس وقت بعض علماء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور اس وقت انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں ممانعت کی. خیر جب 9ویں صدی ہجری آئی تو اس وقت لوگوں میں دو گروپ ہو گئے، اکثریت میلاد کے جواز کی قائل تھی اور کچھ لوگ میلاد کے کو ناجائز بھی قرار دیتے تھے. جن علماء نے میلاد کو جائز قرار دیا ہے ان میں جلیل القدر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حجر الحیثمی رحمہم اللہ ہیں. اور ان لوگوں نے جس آیت شریفہ سے استنباط کیا تھا وہ تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور ان کی نوازشوں سے کی ہے.
जैसे कि बैहक़ी और नसाई शरीफ़ में है। और रूहुल मानी के जो मुफस्सिर है, मुसन्निफ़ है, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ये नियामत कुबरा है। तो इसलिए इस आयत शरीफा से उन्होंने इस्तिंबात किया है। जिन उलमा ने इसके जवाज़ के कायल हैं, उनमें सबसे पहले उसी दौर के आलिम हैं, तकरीबन 599 हिजरी के अल्लामा अबू शामा अल-मक़दिसी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम नववी के शेख भी हैं, उन्होंने फरमाया कि हमारे इस ज़माने में एक क्या अच्छी बिदअत निकली है जो हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के दिन मनाई जाती है और उसमें लोगों को सदक़ात, लोग सदक़ा व खैरात करते हैं, नेक काम करते हैं, नेकियां ज़्यादा करते हैं और इजहार ज़ीनत और ख़ुशी का इजहार करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी बहुत अच्छी हैं और नेक काम है कि इसके अंदर फ़कीरों के साथ जो गुरबा और मसाकिन हैं उनकी हमदर्दी की जाती है, उनका ताउन किया जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें इस बात का भी शुरूर लोगों में पैदा होता है और ये भी महसूस होता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से वो कर रहे हैं और उससे उनके दिलों में अल्लाह के रसूल की तज़ीम है इस वजह से, और वो इसलिए खुश हैं कि अल्लाह के ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसा अज़ीम शान नबी दिया है। तो इस नियामत के आने के ऊपर वो खुशी मनाते हैं और जब ये खुशी मनाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मीलाद के दिन, तो जो कुफ्फार और मुनाफिकीन हैं उनको बड़ा बुरा लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मना रहे हैं, तो ऐसा ही है जैसा जश्न फतह मनाए तो जो लोग हारे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, उनको तकलीफ़ होती। तो बहरहाल ये पहला फतवा है। दौरे अय्यूबी में जब मीलादुन नबी कायम किया गया तो उसके ऊपर ये पहला तबसरा है उस वक्त के आलिम का, जो बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज भी हैं। तो उन्होंने ये ज़िक्र की है कि क्या अच्छी बिदत आप लोगों ने निकाली है। और उसके बाद जो फतवा नकल किया जाता है वो है अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह का। वो फरमाते हैं कि अहले इस्लाम मुसलसल रबीउल अव्वल में मीलाद की खुशियां मनाते हैं, उसमें बेहतरीन वलीमे होते हैं और लोग मीलाद की रातों में सदक़ा और खैरात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात, खिलाना पिलाना और ख़ुशी का इजहार करते हैं और नेकियों में इजाफ़ा करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातों में और सना में पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर इसकी वजह से बरकतों का नुज़ूल होता है। लोग जो ख़वास हैं उन्होंने इसको महसूस भी किया है। और उस मीलाद की खसूसियत ये होती है कि वो साल भर के लिए अमान हो जाता है, उसकी वजह से जो लोग मीलाद मनाते हैं उनको साल भर अमन मिलता है उसकी बरकत से, और खुशखबरियां मिलती हैं उनको और उनके मकासिद पूरे होते हैं। सुभानअल्लाह। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए उस आदमी को जो मीलाद की रातों को और इस महीने को खुशी के तौर पे मनाए। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाने की वजह से जिनके दिलों में बीमारी है उनको तो दर्द और तकलीफ़
होता है। अल्लाह। तो बहरहाल ये अल्लामा हाफिज़ कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह का मीलाद के ऊपर तबसरा था। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसी की शरह में, देखिए मीलादुन्नबी का जो अमल है ये बिदात है। अब इसमें जो नेक काम आप करेंगे, तो अब ये मीलादुन्नबी में बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम भी शामिल कर दिए हैं और ख़राब काम भी शामिल कर दिए। तो जो अच्छे काम हैं तो हमको चाहिए कि मीलादुन्नबी में वही काम करें जो अच्छे हैं, जो खैर हैं, और जो काम शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती वो काम हमारे पास खुशी ऐसी ही नहीं मनाते। दूसरों के पास मनाते होंगे शराब पी के खुशी मनाते, हम लोग खुशी शराब पी के नहीं मना सकते। हमारे खुशी मनाने का जो इस्लाम ने इजाज़त दी है, जहाँ तक इजाज़त दी है बस वहीं तक, उससे आगे की जो चीज़ें होती हैं वो इस्लाम ने, उलमा ने, सारे उलमा ने मीलादुन्नबी के नाम पे ऐसे नाजायज़ हरकतें करने से मना किया है। तो वही फरमा रहे हैं अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह कि इसमें मीलादुन्नबी बिदात है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी शामिल हो गई हैं और बाज़ नादान लोगों ने इसके अंदर गलत सलत चीज़ें भी शामिल कर दी हैं। तो अब इस दिन जो अच्छे काम करेगा और जो ख़राब कामों से बचेगा तो फिर उसके लिए ये ईद मिलाद बिदत हसना उस हदीस में जो कहा गया है उसके तहत जायज़ होगी। और अगर कोई इसके अंदर भी ख़राब काम करता है जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है और मकरूह और नापसंदीदा काम करता है और इस्लामी अकदार से हटके जो काम करता है, इस्लामी मिजाज से हटके काम करता है और उसको खुशी समझता है, तो फिर उसका ये बिदात हसना से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि वो बिदात सैया से ताल्लुक़ है। इसी तरह से और एक जिन लोगों ने, जिन उलमा ने, बड़े बड़े उलमा हैं जो मीलादुन्नबी के जवाज के कायल हैं, उनमें हैं इमाम शम्सुद्दीन जज़री रहमतुल्लाह अलैह शाफ़ई हैं। ये वही इमाम हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब को आपके मीलाद पर खुशी मनाने की वजह से जो अजाब में तख़फीफ़ हुई थी, इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए आपने जवाज के कायल हैं और ये फरमाया कि जब एक काफिर को मीलाद नबी मनाने पर, खुशी मनाने पर हर पीर को उसके अजाब में तख़फीफ़ होती है, तो एक अल्लाह के रसूल के चाहने वाले को कैसा, क्या इनाम और इकरामात उसके साथ होंगे, उसके ऊपर कैसी बरकतें होंगी, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या। और मीलाद के जो कायलीन हैं, मीलाद करने के जो जवाज़ के कायल हैं, उसमें हैं इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह हैं और इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह हैं और इब्ने हजर अल-हैथमी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये वो हैं जो मक्के मुकर्रमा के मुफ्ती थे शाफे के 909 में, और अल्लामा शर्बिनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन्होंने, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक थे, उलमा आशिक़े रसूल ही होते, ये ऐसे आशिक थे कि इन्होंने, शाफ़ईउल मसलक है तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुग़नी। तो इस किताब का हर मसला जब उनको लिखना होता तो वो रौज़े रसूल के पास जाते, दो रकात नमाज पढ़ते, उसके बाद इस्तखारा करते, फिर उनको महसूस होता तो लिखते। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, हाय हाय हाय। तो आज़ीज़ो, ये अमल इस तरह से करने का किसने कहा है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो हदीस की पूरी किताब लिखी है उसमें भी यही है। जब हदीस लिखते आप रोज़ा रसूल पे जाते, वो नहाते, इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत है? तो बहरहाल दरअसल क्या है, इश्क़
ایسی عجیب و غریب ادائیں انسان سے کرا دیتا ہے، جس کو عشق ہوتا وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کے جواز کے جو قائل ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بخاری شریف کے شارح بھی ہیں. عزیزو، اب انہی کے باتیں ہم سن لیں میلاد کے بارے میں تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے خود کیا کہا. اب ہم تو چھوٹی منہ بڑی بات ہے. فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا تھا میلاد کے بارے میں تو فرمایا کہ میلاد کا جو اصل عمل ہے یہ تو بدعت ہے، یہ سلف صالح سے پچھلی 3 صدیوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی شامل ہیں اور کچھ خراب چیزیں بھی آ گئی ہیں. تو جو کوئی اس میں جو اچھائیاں ہیں اس پہ عمل پیرا ہو اور اس میں جو خراب چیزیں درائی ہیں اس سے اجتناب کریں تو اس کا شمار بدعت حسنہ میں ہوگا، اور اس طرح سے آپ اس کو منا سکتے ہیں. اور فرمایا مجھے میلاد النبی کے جواز کے اوپر ایک حدیث سے بھی استدلال ملا ہے جو حدیث کے صحیحین میں ہے، اور انہوں نے اس کا استدلال کیا وہ صوم عاشورہ، عاشورے کے دن کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آج نجات دی تھی تو اس کے شکر کے طور پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو امام حجر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے میلاد النبی کے جواز پر. اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب میلاد النبی مناتے ہیں تو ایک قسم کا انس ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب خوشی کی لہر ہمارے جسم میں دوڑ جاتی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بدر الطالع میں فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کی خوشی منانا یہ جائز ہے. تو بہرحال بڑے بڑے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے اوپر اپنے تبصرے کیے ہیں. اب جو ایک تبصرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی بہت بڑے فقی ہیں. لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر نبوت اتری ہے. تو یہ حدیث میں اشارہ ہے روزوں کے مستحب ہونے پر، ان دنوں میں کہ اب وہ پیر کے دن تو ایک ہی بار نبوت اتری، نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی دفعہ دی تھی، لیکن آپ اس نعمت کی تجدید ہر پیر کو کرتے تھے، ہر پیر کو اس کا شکرانہ ادا کرتے تھے. تو ایسے ہی ہم کو ہر پیر کو شکرانہ ادا کرنا ہے، ہر مہینے ربیع الاول میں شکرانہ ادا کرنا ہے، ہر تاریخ جس تاریخ میں بھی آپ کی پیدائش ہے اس تاریخ میں ہم کو وہ شکرانہ ادا کرنا ہے. تو خیر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تجدید کی ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ کی فَإِنَّ أَعْظَمَ نِعْمِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ إِظْهَارُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اوپر سب سے عظیم نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور آپ کی بعثت ہے. آپ کا رسول بن کے آنا یہ سب سے عظیم نعمت ہے
जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम। फिर फरमाते हैं فإن النعمة على الأمة برساله أعظم من النعمة عليهم بإيجاد السماء। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ये ऐसी बड़ी नियामत है कि आसमान से बढ़ के, ज़मीन से बढ़ के, चाँद से बढ़ के, सूरज से बढ़ के, हवाओं से बढ़ के, रातों दिन से बढ़ के, बारिश से बढ़ के, नबातात से बढ़ के, ये जो सारी नियामतें हैं इनसे, इन सारी नियामतों से बड़ी नियामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। क्यों? इसलिए कि जो नियामतों का मैंने तज़किरा किया है, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, हवा, रात, दिन, बारिश, नबातात, ये सब के सब नियामत आम्मा है, सबको मिलती है। और हुजूर जो नबी बन के आए हैं और अल्लाह ने जो कहा है मोमिनों तुम्हारे ऊपर एहसान किया है मन्नल्लाह, ये खास नियामत हमारे ऊपर होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए ये हमारे लिए खास नियामत है। तो हमारे लिए इन सारी नियामतों से बड़ी नियामत है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फइन हाज़िहि नियम कुल्लहा कदा, ये सारी नियामतें सबके लिए आम हैं, सारी बनी आदम के लिए, अल्लाह के काफिरों के लिए भी हैं और अल्लाह के फरमा बरदारों के लिए भी हैं। अलबत्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नियामत है, आपका जो रसूल बन के आना है, तो ये वो नियामत है कि जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत के सारे काम, सारी मसलिहतें और मसालेह मुकम्मल हो गए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और ये वो नियामत है कि जिसकी वजह से दीन मुकम्मल हो गया। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। वो दीन मुकम्मल हुआ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ने अपने बंदों के लिए ये दीन पसंद कर लिया, मैं राजी हो गया हूँ इस दीन से। तो आपकी आमद ये सबब है, सआदत है, दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी नियामत हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। तो बहरहाल उन्होंने भी और आगे इस्तदलाल करते हुए यौम आशूरे की इसी हदीस से इस्तदलाल किया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम मूसा अलैहिस्सलाम को वो नियामत मिली फिरौन से नजात की, उनकी कौम उसके ऊपर शुक्राना अदा कर रही है, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमको नियामत मिली है तो हम तो उसके ऊपर कितना ही शुक्र अदा करें कम है, कितनी ही खुशी मनाएं कम है। इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला ने फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उसके ऊपर खुशी मनाएं। बुज़ुर्गों, अब जो हम लोग सुरूर मनाते हैं, इसमें एक ख़ास बात यह है कि मिलाद में जो होता है कुरान खानी होती, आम दिनों में भी कुरान खानी जायज़ है, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते, आम दिनों में भी पढ़ना जायज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब तारीफ़ तो सना करते, आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा करना है, और खैर खैरात करना, खाना खिलाना, ये भी नेकी के काम हैं, तो ये तो है ही हैं। इसके अलावा भी खुशी के इजहार के लिए हम जितने तरीक़े ऐसे इख्तियार करें कि शरीयत में उसकी कोई ममानियत नहीं है, वो सारे हम खुशी के तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं। अलबत्ता जो तरीक़े, जो बातें शरीयत ने हराम या मकरूह या नाजायज़ या खिलाफ औला करार दी हैं, तो ऐसे अंदाज में हमको खुशी नहीं मनाना है। बहरहाल इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि उनसे पूछा गया था मीलाद के बारे में, तो फरमाया कि मेरे पास मीलादुन्नबी के, मैं जो मीलादुन्नबी समझता हूँ, जिसके जवाज का कायल हूँ, वो ये है कि लोग एक जगह जमा होना और उसके बाद जो कुरान मैसर आ रहा थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ लेना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा के बारे में कि आप पहले क्या थे, आपका नूर था, बहरहाल वो भी जो भी अहादीस वगैरह उस बारे में आई हैं, वो अहादीस सुनना और उनका तज़किरा करना,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त जो बरकतें थीं, जो हालात थे, जो मौजज़ात थे, जो वाक़ियात रोनुमा हुए, उनका ज़िक्र करना और उनको सुनना, और उसके बाद में खाना वगैरह खाना, तो ये बिदात हसना में इसका शुमार होगा। और जो लोग ये करेंगे उनको अल्लाह तबारक ताला सवाब देगा, क्योंकि इसमें क्यों सवाब देगा, अपने नबी की ताज़ीम करने की वजह से और उनकी आमद पे खुशी का इजहार करने की वजह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पे खुश होने की वजह से अल्लाह तबारक ताला उनको अजर और सवाब देगा। ये इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर तबसरा किया है। अब हम लोग जो मीलाद मनाते हैं उस मीलाद में क्या रहता, मीलाद में जिक्र रहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीगर लोगों का जिक्र खैर रहता, और क्या रहता, उसमें सदका करते और क्या करते, सलातो सलाम पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ करते हैं, इसमें कोई शर वगैरह की बात ही नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें पहले ही दीगर अय्याम में भी तमाम अहादीस से, तकरीबन अहादीस से इसके जवाब के ऊपर अहादीस आई हैं फजीलत के ऊपर। अलबत्ता ऐसे काम जो शर को हम उसके साथ शामिल कर लेंगे, खैर के साथ शर भी शामिल कर ले रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता, वो खैर भी मना कर देते उसकी वजह से, लोगों को खाना भी खिला रहे हैं उसके साथ में, लोगों को शराब भी पिला रहे हैं, तो आप बोलते भाई आप खाना इतने को खिलाओ फिर। तो इसलिए शर के काम मीलादुन्नबी में तो नहीं करना, बहुत बुरी बात है। वो अजमत एहतराम खुशी मनाने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में ये सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं। तो बहरहाल उलमा ने भी, साबिक़ उलमा जो उसके अदम जवाज के कायल हैं, दरअसल इसीलिए उसके अदम जवाज के कायल रहे हैं कि लोगों ने उस खुशी के नाम पर अंदर बहुत सारी ख़राब चीज़ें दाखिल कर ली थी, गैर शरई हरकतें दाखिल कर ली थी, और उसको एक नाच गाने का और इस किस्म का अजीब व गरीब किस्म का एक रूप दे दिया था, इस्लामी शबीह पूरी मस्क हो जा रही थी। इसलिए उलमा ने जो मना किया उसकी वजूहात में से अहम तरीन वजूहात ये है। अब देखिए, जो अब तक तो मैंने आपके सामने उन लोगों का तज़किरा किया था जो इसके जवाज़ के कायल हैं और उन्हीं के बातें मैंने तबसरे नकल किए हैं, अब मैं आपके सामने तबसरा नकल करता हूँ अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का। ये मीलाद के आदम जवाज के कायल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे एहतियात से फरमाते हैं, देखिए आप। कहते हैं अल्लाह के रसूल तज़ीमुल मौलिद व इत्तिखादुहु मौसिमन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पे ताज़ीम करना और उसको एक मौसमी खुशी का मौसम बना लेना जैसे कि बाज़ लोग करते हैं, तो उनको भी अजर होगा इसमें उनकी अच्छी नीयत की वजह से, और अल्लाह के रसूल की ताज़ीम की वजह से कर रहे हैं इसलिए उनको भी सवाब मिलेगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो हुस्ने नीयत से मीलाद मना रहे हैं, ताज़ीम नीयत से मीलाद मना रहे हैं, तो उनको सवाब मिलेगा। तो गोया ये इनके भी मना करने का जो मकसद है वो यही है कि आप मीलाद के नाम पे जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं लिल्ला, वैसा मत कीजिए। इसलिए फरमाया। और दूसरी बात देखिए, इन्होंने दूसरों के लिए भी जगह रखी है इसमें, और एक जगह फरमाते हैं कि इसी तरह से बाद लोगों ने ईजाद किया है ईसाइयों के मिलाद ईसा की तरह, क्रिसमस की तरह एक ईद ईजाद की है इस्लाम में। अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और ताज़ीम में ये खुशी मना रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला
उनको सवाब देगा इस मोहब्बत के ऊपर और इस इज्तिहाद के ऊपर, बिदत के ऊपर नहीं देगा। उनको सवाब देगा, ठीक है ना, इज्तिहादी गलती करके जायज है बोल रहे तो उसके ऊपर भी सवाब देगा, और मोहब्बत से वो मना रहे हैं उसके ऊपर भी सवाब देगा, अलबत्ता बिदत पे नहीं देगा। अच्छा, और एक जगह फरमाते हैं कि रिवायतों में आया है कि फरिश्तों की एक किस्म है सयाह, घूमते रहते हो लगा, ढूंढते रहते कहाँ जिक्र की महफिल होती, कहाँ अल्लाह का जिक्र होता, कहाँ अल्लाह की बातें होती, वो ढूंढते रहते हो लगा। तो उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि मजालिसुज़्ज़िक्र, जिक्र की मजलिसों के बारे में एक हदीस है कि फरिश्ते घूमते रहते उसकी तलाश में रहते कहाँ है। तो अगर कोई कौम बाज़ रातों में जमा हो जाए और नफिल नमाज पढ़ ले, लेकिन उसको हमेशा की आदत न बना ले, जो दूसरी सुन्नत के बिल्कुल मुआफिक आदत न बना ले, तो मकरू नहीं है, पढ़ ले सकते, जैसा शबे में बारात वगैरह में एक जगह आके नमाज पढ़ लेते वैसा। और इसी तरह से, और यही बात, यही कौल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की रात के बारे में भी और दीगर रातों के बारे में भी, हमारा यही कौल है कि वो मकरू नहीं है। अब उसको बाज़ाब्ता ऐसा करे तो होता, नहीं करे तो, जैसा सुन्नत है ना, अब ये सुन्नत काम है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो तुम, ये फ़र्ज़ है, अब करे तो होता, नहीं तो नहीं होता, वैसा मत बना लो, उसको बहुत ज़्यादा लाजिम मत कर लो। बहरहाल उनके तीन अक़वाल भी जो हैं, तो उन्होंने इसमें भी फरमाया कि भाई वो मकरू नहीं है, उन्होंने जो नीयत से कर रहे हैं उसके ऊपर उनको सवाब मिलेगा, अगरचे कि बहरहाल इस तरह से उन लोगों ने ये बातें कही हैं। तो बहरहाल आज़ीज़ो, इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ा अच्छा वो हदीस अबू लहब की हदीस से नकल करते हुए फरमाया कि एक काफिर को अल्लाह तबारक ताला दोज़ख में आराम दे सकता है, तो अब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाए तो उसकी बरकतों का और उसका क्या मकाम होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। तो एक हाफिज़ शम्सुद्दीन इब्न नासिर दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में याशारी लिख दी उनकी इस बात को, तो इदा कान हादा काफिरन जा अज़िम्मा, एक काफिर जो जिसकी मजम्मत आई है कुरान में तब्बत यदा के नाम से, और जो दोज़ख में हमेशा रहने वाला है जिसका तज़किरा आया है, वो पीर के दिन अगर खुशी मनाता है तो हर पीर को उसको जो है अल्लाह के रसूल की पैदाइश पे खुशी मनाता है तो हर पीर को उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पे खुशी मनाने की वजह से, तो तुम्हारा क्या ख्याल है उस बंदे के बारे में जो सारी उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मना रहा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। सुभान अल्लाह तबारक। अब देखिए इन मकामात की अहमियत है। मक्के मुकर्रमा में असल बात क्या है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे कामों का दारोमदार नियतों के ऊपर है। लिकुल इमरिम मानवा, हर आदमी के लिए वही है जिसकी उन्हें नियत करता। कोई ईद मिलाद मोहब्बत रसूल में मना रहा है, इश्क रसूल में मना रहा है, और कुरान ने कहा है कि फरहत मनाओ वो मनाओ, उस खुशी में मना रहा है, तो उसके लिए तो वही है। अब कोई दिखावे के लिए मना रहा या कोई और दूसरे मकसद से मना रहा, तो उसके लिए वही मिलेगा। तो बहरहाल अज़ीज़ो, ये ईद मिलाद है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि आप ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रुकिए और दो रकात नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते हैं, दो रकात नमाज पढ़ते हैं, तो हज़रत जिब्रील फरमाते हैं ये कौन सा मकाम है मालूम, तो फरमाया ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस मकाम पे पैदा हुए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से फरमाते कि उस मकाम पे दो रकात पढ़ो। मेराज का जो सफ़र है तेज़ी से जाने का सफ़र है, वो इतने जल्दी का सफ़र है, वहाँ उतने जल्दी के सफ़र में अल्लाह के रसूल से फरमा रहे कि आप दो रकात यहाँ पढ़ो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है, क्या था भाई, जब इतने सुरात से जाके आना था तो यहाँ वक्त कहीं को ख़राब करें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम के पैदाइश की अजमत ऐसी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे दो रकात नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पे पैदा हुए उस मकाम की बरकतें और फजीलतें और रुतबे नहीं रहेंगे। इसीलिए अहले मक्का हर पीर को वहां जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम था वहां जाते थे, नमाजें पढ़ते थे, दुआएं करते थे। लेकिन बाज नादानों ने यह समझा कि वो लोग जाके वहां पे पूजा पाठ करते हैं या अल्लाह के रसूल से ही मांगते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं, कुफ्र और शिर्क करने लगे, तो उसके नाम पे बंद कर दिया गया। तो आजीजो, समझ समझ का फर्क है, नीयत नीयत का फर्क है। अगर वाकई उस नीयत से करते हैं तो अपनी अपनी बात है। एक मुसलमान से तसव्वुर नहीं हो सकता, कोई भी मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा या अल्लाह का मकाम मर्तबा नहीं देता। बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो आज़ीज़ो, ये हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मकामात। पहले जाते बड़े बड़े उलमा गए हैं। अब ये तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाय पैदाइश की बात छोड़ दीजिए। एक वाकया मेरे ख्याल से इमाम एक बड़े इमाम है, मुहद्दिस है, वो बेचारे अपने उस्ताद जहाँ दर्स हदीस दिया करते थे उस मकाम पर आके उसको तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज़ीज़ो, हमारे असलाफ ने ये सारी चीज़ें हुई हैं तो उनकी अपनी अपनी नीयतें हैं और आमाल हैं, उनके अपने जज्बात और फिक्रें थीं, उसके हिसाब से ये चीज़ें रही हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमको सही सोच और सही फ़िक्र रखने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत और उनसे लगाव और उनके नक्श कदम पर और उनके उसवे पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि आर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।